आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। भारत की आजादी के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन को देखा जा रहा है। निसंदेह इससे पहले भी कई बड़े बड़े आंदोलन हुए, परंतु केंद्र सरकार की इतनी किरकिरी किसी भी आंदोलन में नहीं देखी गई। आज बेशक किसान अपने हक और अधिकारों की मांग करते सड़कों पर हैं, परंतु हर क्षण सरकार की किसान विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किसानों द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, एक महीना से ऊपर हो गया सड़कों पर डटे किसानों ने पूरी रणनीति के आधार पर मांगे नहीं माने जाने से 26 जनवरी को लाल किला में तिरंगा फहराने की घोषणा तक कर चुके हैं, परंतु अब तक केंद्र के मोदी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी। यह बात अलग है कि अंदरूनी रूप पर खलल जरूर मची हुई है। यही वजह है कि लगातार किसानों के साथ मीटिंग और बातचीत की कोशिशें जारी है। बीते दिनों हुए मीटिंग में कुछ बातों को मानते हुए सरकार किसानों को लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की, परंतु दृढ़ निश्चय कर चुके किसानों द्वारा जब तक किसान विरोधी यह तीन कानूनों को वापस नहीं किया जाएगा तब तक मैदान नहीं छोड़ेंगे कहते हुए आए दिन उग्र तरीके से अपनी बातों को मुखरित करते नजर आ रहे हैं। किसान विरोधी इस कानून के विरोध में आम जनता सहित किसान तो है ही, परंतु इस बीच देश के अन्य पार्टियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन खुलकर किया है, जिसमें सबसे बड़ी विपक्ष कांग्रेस द्वारा लगातार हर जगह पर मशाल रैली निकालते हुए किसानों का समर्थन और सरकार का विरोध जताया जा रहा है। बीते दिनों मुंगेली जिला में निकले विशाल मशाल रैली के जरिए कांग्रेसियों ने कलेक्टर के माध्यम से अपनी बातें ऊपरी आलाकमानों तक पहुंचाने की कोशिश की। इस दौरान ट्रैक्टरों के बीच कई बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी गई, जिसमें खड़े होकर कांग्रेसियों द्वारा तिरंगा लहराया जा रहा था। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते कांग्रेसियों ने इस मशाल रैली का आयोजन किया। मशाल रैली कांग्रेस भवन पड़ाव चौक से निकलकर बलानी चौक होते हुए पुराना बस स्टैंड गांधी प्रतिमा पर संपन्न की गई। पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस के द्वारा जिला मुख्यालय में आज मशाल जुलूस निकालना है, जिसका मुख्य कारण है जो कृषि तीन काले कानून मोदी सरकार ने लाए हैं और दूसरा जो शीतकालीन सत्र को निरस्त किया गया उनके द्वारा, उसके विरोध में आज मुंगेली जिला युवा कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे सीनियर कांग्रेस कमेटी के जितने भी लोग हैं, सभी ने मिलकर मशाल जुलूस शहर के अंदर निकाला गया। अगर यह बिल अगर मोदी सरकार वापस नहीं लेती है तो युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का जैसा भी निर्देशन रहेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व का जैसा रहेगा निर्देशन, वैसे युवा कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई करने के सक्षम है। कार्यक्रम के संचालन में मुख्य रूप से मुंगेली युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश छिदैया सहित मुंगेली ब्लॉक के कांग्रेसी छाया विधायक राकेश पात्रे, जागेश्वरी वर्मा, रोहित शुक्ला, प्रकाश वैष्णव, योगेश्वर सिंह, नानू ठाकुर, देवेंद्र वैष्णव, राहुल कुर्रे, पोखराज बंजारे, आरिफ खोखर, राजा मालिक, दीपचंद, अनंत टीपू खान, अली मिर्जा, आयुष शुक्ला, अशोक खान, संपत जायसवाल, अभिषेक सिंह यादव, निखिल साहू, छोटू साहू, शशिकांत, संदीप वैष्णव, भूपेंद्र वैष्णव, अजय साहू, राहुल यादव, दीपक चंद्राकर, अनिल मंगेशकर, सुरेश साहू, मंत्राम यादव, मुकेश साहू, दीपचंद जोशी, मिंटू खान, प्रमोद साहू आदि भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुंगेली से अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।